दरअसल चीन के पसीने तो उसी दिन छूट गए थे जब भारत और फ्रांस के बीच में साल 2016 में 36 राफेल विमानों की खरीद की डील हुई थी, मगर जब सोमवार को फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत के लिए रवाना हुए तो चीन बौखला गया और इसी बौखलाहट में उसने सबसे पहले तो भारत के राफेल को बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए अपने J-20 लड़ाकू विमान को राफेल से बेहतर और 5th जनरेशन का स्टील्थ विमान होने का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब बुधवार को 5 राफेल के विमानों के पहले बैच ने भारत की धरती को छुआ तो चीन घबरा गया। चीन की घबराहट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बुधवार को सारा दिन चीन के बड़े बड़े शहरों में राफेल इन इंडिया ही सर्च होता रहा और चीन ने तुरंत युद्धपोत पर तैनात J-15 फाइटर जेट्स की क्षमता को बढ़ा दिया। J-15 फाइटर जेट्स की क्षमता बढ़ाने से अब चीन रात में भी हमला करने में सक्षम हो गया है। चीन का घबराना लाजमी है क्योंकि खौफ का दूसरा नाम ही राफेल है। राफेल के आने से अब पाक और चीन के नापाक इरादों को भारतीय वायुसेना आसानी से नेस्ता नाबूद कर देगी। तो वहीं करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राफेल मात्र 6 मिनट में पाक और 9 मिनट में चीन तक पहुंच जाएंगे और तबाही मचा देंगे। अगर बात करें भारत में राफेल के नए घर अंबाला एयरवेस की तो 1965 और 71 की जंग में भी अंबाला एयरवेस की अहम भूमिका रही है। अंबाला एयरवेस से पाकिस्तान की सीमा महज 200 किलोमीटर और चीन की मात्र 300 किलोमीटर है। यही कारण है कि अंबाला में जगुआर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए थे। अंबाला एयरफोर्स की सुरक्षा राफेल के चलते बढ़ा दी गई है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर के दायरे को मजबूत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एयरफोर्स की सभी चेक पोस्ट पर कर्मचारियों को तैनात कर पल पल की जानकारी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो वहीं अंबाला एयरवेस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां के लिए IOC से ईंधन भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अंबाला IOC से मात्र 30 मिनट में ही ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बता दें कि राफेल की ईंधन क्षमता करीब 4700 किलोग्राम है।